पहले दिन 200 लोगों को अनुमति दी गई, कल कुछ नेताओं को ही अनुमति दी गई और आज तो हद हो गई कि हम अपनी स्टाफ को भी नहीं ला सकते। ये ICC में स्टाफ अंदर नहीं आ पा रहा है, ऑफिस बेयरर यहाँ ऑफिस नहीं आ पा रहे हैं। हम लोगों से कहा गया केवल दो मुख्यमंत्री ही यहाँ आ पाएंगे और किसी का अनुमति नहीं है। किस प्रकार से पार्टी कार्यालय में हम लोग पहुंचे हैं ये आप सब जानते हैं। ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई थी। राजनीतिक दल अपने पार्टी कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ता न जा सके, ये हालात तो पहली बार। और ये स्थिति बनी क्यों? इसलिए कि देश में पिछले 8 वर्षों से जो कुछ हो रहा है उस सबको एक व्यक्ति लगातार केंद्र सरकार के नाकामियों पे, उनके गलत इरादों पे, उनके गलत फैसलों पे उंगली रखते चल रहा है वो राहुल गांधी। चाहे भूमि अधिग्रहण बिल के वापसी का मामला हो, चाहे नोटबंदी का हो, GST का हो, चाहे वो लॉकडाउन लगाने की स्थिति हो, चाहे वैश्विक महामारी की तैयारी के संदर्भ में हो, चाहे देश में बढ़ रहे बेरोजगारी महंगाई की बात हो, अन्नदाताओं को जो उनके मेहनत की कीमत नहीं मिल रहा हो, इन सब मामलों पे लगातार, चाहे देश की सीमा की सुरक्षा का मामला, यहाँ के भारत की भूमि को जिस प्रकार से कब्जा कर रहे हैं, उन सब मामलों पे लगातार राहुल जी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो इन लोगों ने तय किया कि एक इस व्यक्ति को दबा दिया जाए, इस व्यक्ति को परेशान किया जाए तो हमारे खिलाफ कोई बोल नहीं पाएगा। दरअसल इनका जो राष्ट्रवाद है वो आयातित राष्ट्रवाद है और उस राष्ट्रवाद में यही है कि जो भी विरोध में हो उसको दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए, रौंद दिया जाए। और उसी तर्ज पे चलते हुए ये सारी गतिविधियां आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र की सरकार कर रही है, जितने भी विपक्षी दल के लोग हैं उसे किसी न किसी मामले में फंसा कर उसके मुंह को बंद करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी वो राहुल जी के मुंह में हाथ डालने की कोशिश उन्होंने की है। मैं समझता हूं कि उनको बहुत महंगी पड़ेगी। आप कार्यालय